मैं जनाब अहमद अलवी साहब जो तंज मजा के बहुत भरपूर शायर हैं, इस वक्त ज़रूरत है कि उनको भरपूर तरीके से सुना जाए हमारे मेहमान शायर। पहले आप पर वाजिब को उनका ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। इसी दरमियान हमारे और आपके महबूब शायर जनाब काविश रुदलवी साहब का इजाफा स्टेज पर हुआ, मैं आप हजरात को मुबारकबाद देता हूँ। जनाब अहमद अलवी साहब आई पर इतना आजिज आ चुके हैं बेसुरिया बन, इतना आजिज आ चुके हैं बेसुरी आवाज से, ईद जैसा जश्न होगा तेरे मर जाने के बाद। इतना आजिज आ चुके हैं बेसुरी आवाज से, ईद जैसा जश्न होगा तेरे मर जाने के बाद। सिर्फ दो ही वक्त सोते हैं पड़ोसी चैन से, एक तेरे गाने से पहले एक तेरे गाने के बाद। एक तेरे गाने से पहले एक तेरे गाने के बाद। और देखेंगे अभी एक कानून आया है जिसे कहते हैं तलाक का कानून, उस कानून पर मैंने भी कुछ चार मिसरे कह दिए, अगर पसंद आए तो अपनी दुआओं से नवाज़। बड़े कमाल का है ये तलाक का कानून, बड़े कमाल का है ये तलाक का कानून, बड़े कमाल का है ये तलाक का कानून। अजीब दौर है यारो, अजब जमाना है, बड़े कमाल का है ये तलाक का कानून। अजीब दौर है यारो, अजब जमाना है, बिना तलाक के छोड़ो बनो वज़ीर-ए-आज़म। बिना तलाक के छोड़ो बनो वज़ीर-ए-आज़म, अगर तलाक से छोड़ा तो जेल खाना है। बहुत अच्छा। देखेंगे आजकल के जो मुशायरे हो रहे हैं उसमें, यहाँ तो बड़ी मोतबर फहरिस्त है, लेकिन मैं मुशायरों में जाता हूँ तो देखता हूँ कि किस तरह की फहरिस्त होती है, तो उस पर देखें कि मुशायरे की कोई फीस मैं नहीं लेता। अनवर गाजी आज़ादी खुश हो गए। मुशायरे की जबकि शेर है बारात शेर बराए शेर है। नहीं नहीं, आगे आगे आइए जरा मेरे साथ कि मुशायरे की कोई फीस मैं नहीं लेता। ये 10,000 जो हंसकर कबूल करता हूँ, मुशायरे की कोई फीस मैं नहीं लेता। ये 10,000 जो हंसकर कबूल करता हूँ, मुशायरे में जो मौजूद है मुताशायर, मैं इनको सुनने की कीमत वसूल करता हूँ। लगा के छोड़ दो, आराम से बैठो। मुशायरे की कोई फीस मैं नहीं लेता। क्या बात है, मुशायरे की कोई फीस मैं नहीं लेता। ये 10,000 जो हंसकर कबूल करता हूँ, 10,000 कम है। मुशायरे में जो मौजूद है मुताशायर, मेरा दहर में नहीं आ रहे 50,000 बहुत दूर, क्या कहते हैं बहुत अच्छे। ये 10,000 जो हंसकर कबूल करता हूँ, मुशायरे में जो मौजूद है मुताशायर, मैं इनको सुनने की कीमत वसूल करता हूँ। देखेंगे कुछ शायरात हमारे यहाँ बड़ी मोतबर शायरात हैं, अलीना इतरत हैं और ये हैं, लेकिन कुछ मुशायरों में ऐसी भी शायरात आती हैं जिनके बारे में मुझे ये कहना पड़ता है कि लपक लेते हैं हर एक शायरा को सारे कमीना लपक लेते हैं हर एक शायरा को सारे कन्वीनर, सभी मारूफ उर्दू अंजुमन इनको बुलाती है। हमें तो 6 किताबों पर कोई शायर नहीं कहता, ये बस 2-3 गजलों पे कनाडा घुमाती है।
लपक लेते हैं हर एक शायरा को सारे कन्वीनर, सभी मारूफ उर्दू अंजुमन इनको बुलाती है। हमें तो 6 किताबों पर कोई शायर नहीं कहता, ये बस 2-3 गजलों पर कनाडा घुमाती है। और देखेंगे शक्लें हमारी देख के अल्लाह ने कहा, शक्लें हमारी देखकर अल्लाह ने कहा, हर एक गुनाह की सजा पाए हुए हैं ये। शक्लें हमारी देखकर अल्लाह ने कहा, हर एक गुनाह की सजा पाए हुए हैं ये, इनको बिना हिसाब के जन्नत में डाल दो। शौहर है बीवियों के सताए हुए, शक्लें हमारी देख के अल्लाह ने कहा, कई लोगों की हिम्मत बन गई, हर एक गुनाह की सजा पाए हुए हैं ये, इनको बिना हिसाब के जन्नत में डाल दो। शौहर है बीवियों के सताए हुए हैं ये। और देखेंगे इधर सोए उधर निकले, इधर सोए उधर निकले, उधर सोए इधर निकले, कहा बच्चों ने पापा तो गजब के जादूगर निकले। इधर सोए उधर निकले, उधर सोए इधर निकले, कहा बच्चों ने पापा तो गजब के जादूगर निकले, हमारे पास सोए तो मिले मम्मी के कमरे में, बगल में सोए मम्मी के बराबर वाला घर निकले। क्या कहने क्या क्या जो है लोग कुछ लतीफे नज़्म करते हैं, कुछ लतीफे सुनाते हैं, लेकिन मैं लफ्जों से मजा निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं कहाँ पे कामयाब हूँ ये तो आप लोग बता रहे हैं जी। देखिए चार मिसरे के लफ्ज से मजा कैसे पैदा होता है, के वास्ते जुल्फों के रहते थे हमेशा फिक्रमंद, बड़ी अच्छी चल रही है, वास्ते जुल्फों के रहते थे हमेशा फिक्रमंद, फिर अचानक ये हुआ जुल्फों पे इतराने लगे। वास्ते जुल्फों के रहते थे हमेशा फिक्रमंद, फिर अचानक ये हुआ जुल्फों पे इतराने लगे। दो सगी बहनों से दो गंजों की शादी हो गई, और ये बेजुल्फ भी हम जुल्फ कहलाने लगे, और ये बेजुल्फ भी पहुंचा नहीं कठिन। अच्छे लोग हाँ, शर्फू लई लड्डन शौकीन जा रहे हैं, शर्फू लई लड्डन शौकीन जा रहे हैं, पढ़ पढ़ के खुद पे सूरे यासीन जा रहे हैं। शर्फू लई लड्डन शौकीन जा रहे हैं, पढ़ पढ़ के खुद पे सूरे यासीन जा रहे हैं, बहरों में कहने वाले पहुंचे ना ओखला तक, बेबहर कहने वाले बहरीन जा रहे हैं। क्या बात है, भाई ये मेरा, मैं अभी कतर गया, नवाज भाई भी साथ थे, तो मैंने ये सोचा कि मैं ये कथा वहाँ नहीं पढ़ूंगा, तो सामने से आवाज आएगी साहब बहरीन वाला कथा पढ़िए। ये भी अजीब मामला है कि वहाँ तक पहुँचा हुआ। देखिए कि कर रहा हूँ नास मैं यारो अवामुन नास का, कर रहा हूँ नास मैं यारो अवामुन नास का, फिक्र है दिन रात मुझको सिर्फ अपनी साख की, कर रहा हूँ नास मैं यारो अवामुन नास का, फिक्र है दिन रात मुझको सिर्फ अपनी साख की, सूट पहनाया है मुझको आपने 10 लाख का, सूट पहनाया है मुझको आपने 10 लाख का, आपको पहनाई टोपी मैंने 15 लाख की। वाह वाह वाह,
वाह आपको पहना ही तो थी मैंने 15 लाख की क्या बात और देखेंगे देखिए कैसे एक बड़ा मशहूर शेर है कृष्ण बिहारी नूर का उसके एक मिसरे को मैंने इस्तेमाल किया है जी कि जहां भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है जहां भी जाऊं बराबर मेरी तलाश जहां भी जाऊं बराबर मेरी तलाश में है उठाए ही और पत्थर मेरी तलाश में है मैं जिसके हाथ में फूल दे के आया था उसी हसीन का शौहर मेरी तलाश वाह वाह उसी हसीन का शौहर मेरी तलाश में है एक हमारे मुशायरों में एक और बिदत आई है कि लोग हिंदी में गजलें लिख कर लाते हैं और उर्दू में पढ़ते हैं और हमारे यहाँ नवाजा भी खूब जाता हूँ बड़े बड़े इतनी 40-40 साल से उन्हें उर्दू लिखनी नहीं आई और मुशायरे 40-40 साल से पढ़ रहे हैं तो मैंने एक ऐसे ही शायर से पूछ लिया कि क्या मामला है तो उसने जवाब दिया कि शुगर के आर्जे में हूँ मुद्दत से मुबतला शुगर के आर्जे में हूँ मुद्दत से मुबतला हर तरह की मिठाई से खतरे में जान है हिंदी में लिख के लाता हूँ मैं इसलिए गजल रसगुल्ले से भी मीठी उर्दू जुबान है वाह 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 किस पहलू से कहा आपने मस्ता वाह 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 शुगर के आर्जे में हूँ मुद्दत से मुबतला हर तरह की मिठास से खतरे में जान है हिंदी में लिख के लाता हूँ मैं इसलिए गजल वाह रसगुल्ले से भी मीठी उर्दू जुबान है देखेंगे नरों के पेट से मादा निकाल लेते हैं देखें आप तवज्जो चाहूंगा कि नरों के पेट से मादा निकाल लेते हैं मरे हुओं को भी जिंदा निकाल लेते हैं हमारे मुल्क में है एक जेटली साहब अब तो थे थे हमारे मुल्क में थे एक जेटली साहब यूं कर लो ये उबले अंडे से चूजा निकाल लेते हैं देखिए एक तजमीन है मैं आपको सुनाना चाहूँगा एक बड़ा मशहूर शकील बदायूनी का मतला था कि गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से नफरत सी हो गई है मोहब्बत में तो ये उनके जहन में कैसे आया मुझे नहीं पता लेकिन मैंने सोचा कि शायद उनके पास ये गुजरी होगी जो उन्होंने मतला कहा कि यारों लगा के बालों में इम्पोर्टेड खिताब यारों लगा के बालों में इम्पोर्टेड खिताब करने चले थे इश्क बड़े तामझाम से बिकवा दिए मकान अब कहती है भाई जान नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से यारों लगा के बालों में इम्पोर्टेड खिताब करने चले थे इश्क बड़े तामझाम से बिकवा दिए मकान अब कहती है भाई जान नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से और ऐसे ही एक तजमीन और देखो जी के क्या पड़ोसी का पड़ोसन पे कोई हंसी नहीं क्या पड़ोसी का पड़ोसन पे कोई हंसी नहीं खामखा आपने हंगामा मचा रखा है फूल जिस दिन से पड़ोसन को दिए हैं मैंने संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है आजकल फेसबुक का जमाना है फेसबुक पे लोग लगे रहते हैं तो एक साथ थे हमारे वो भी फेसबुक पे थे जी तो उनका तजुर्बा था कि लोग अमूमन मतलब नकली प्रोफाइल बना लेते हैं नकली नाम से बना लेते हैं कुछ लेडीज के नाम से बना लेते हैं तो प्रोफाइल हसीनों की सभी मशकूक है यारो प्रोफाइल हसीनों की सभी मशकूक है यारो इमरती नाम जिसका हो रसगुल्ला निकलता है इमरती नाम हो जिसका वो रसगुल्ला निकलता है परेशा फेसबुक पे आजकल अच्छनिया भी है परेशा फेसबुक पे आजकल अच्छा मियादी है सना जिसको समझते हैं सनाउल्ला निकलता है
जनाब अहमद अलवी साहब अभी महफिल को खैखा हजार बना रहे थे, मुख्तलिफ तजर्बात में डूबी हुई उनकी शायरी आप तक पहुंची, आप हजरात में भी एक जोश और एक वलवला पैदा हुआ। तंजम मिजाज की शायरी नहायत पेचीदा फन है, आती थी कहकाओं की सदा दूर से मगर, आती थी कहकाओं की सदा दूर से मगर, जाकर करीब देखा तो आंसू रवा मिले। ये अमर अहमद अलवी साहब का शेवा, उन्होंने बड़ी शाइस्तगी से अपनी अदबी हाजिरी दर्ज कराई।